सलमान की प्रेजेंस बनी किशन कुमार के दिवाली बैश से जॉन के एब्सेंस का रीजन। क्या टाइगर खान और देसी बॉय की लाइफ से नहीं आया है बरसों पुरानी दुश्मनी वाला सीजन? सुनो सुनो सुनो, मिस चिंता की जुबानी, किशन कुमार की पार्टी से परमाणु स्टार के एस्केप प्लान के पीछे छिपे रियल रीजन की कहानी। As you know, दिवाली वीक आते ही बॉलीवुड में स्टार स्टडेड दिवाली पार्टीज का दौर शुरू हो गया था। 26 अक्टूबर की रात प्रोड्यूसर किशन कुमार ने भी दिवाली बैश होस्ट किया था। दिवाली से एक रात पहले हुई इस पार्टी में इंडस्ट्री का हर छोटा बड़ा सितारा शामिल हुआ था, लेकिन पार्टी का शो स्टॉपर तो टाइगर ही रहा था। ब्लैक टी शर्ट विद ग्रे डेनिम जीन्स पहने सलमान हमेशा की तरह लग रहे थे कूल एंड हैंडसम। लेकिन 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 क्या आपको ये पता है कि सलमान के पार्टी में आने की न्यूज ने ही दे दी थी मद्रास कैफे के हीरो जॉन अब्राहम को टेंशन? अकॉर्डिंग टू मिस जिन चेक, किशन कुमार के काफी क्लोज फ्रेंड माने जाने वाले जॉन को भी मिला था इस दिवाली बैश का इनविटेशन। बावजूद इसके जॉन ने किशन की पार्टी को अटेंड करने की बजाय इसके प्लान बनाने का ले लिया था डिसीजन। And you know what? None other than दबंग सलमान बने किशन की पार्टी में जॉन के न आने का रियल रीजन। शॉकिंग है लेकिन सच है। मिस झंझा के मुताबिक जॉन का किशन की पार्टी में आना लगभग फिक्स था, लेकिन जैसे ही जॉन को पार्टी में सलमान के आने की खबर मिली, दोस्ताना बॉय ने फौरन यू टर्न ले लिया और इस मच हाइप मास्टर प्लान के जरिए देसी बॉय ने सलमान के सामने आने का रिस्क भी टाल दिया। वैसे आपको बता दें कि जॉन और सलमान के बीच जो 36 का आंकड़ा चल रहा है वो दरअसल 2006 से चला आ रहा है। मिस जिंचा के मुताबिक 2006 में हुए सलमान के रॉकस्टार कॉन्सर्ट की टीम में जॉन अब्राहम भी शामिल थे, लेकिन जॉन अपनी फीस को लेकर सलमान से खफा चल रहे थे। मामला तब बढ़ गया था जब जॉन ने सलमान के एक्ट को लेकर कोई कमेंट कर दिया था। तभी से टाइगर और जॉन के बीच दुश्मनी वाला शोला भड़क गया था। कि उसके बाद भी जॉन और सलमान ने बाबुल फिल्म साथ में की थी, लेकिन फिल्म के सेट पर सलमान और जॉन के बीच तनातनी साफ देखी गई थी। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क फिल्म में जब जॉन और कटरीना की जोड़ी जमी थी तब भी ये बात सलमान को हजम नहीं हुई थी। टाइगर के गुस्से की आग तब और भी ज्यादा भड़क गई थी जब कटरीना ने जॉन के साथ इंटीमेट सीन दिया था। जॉन का सुल्तान की जान के करीब आना टाइगर को अच्छा नहीं लगा था, जिसके बाद सलमान ने जॉन के खिलाफ खुली जंग का ऐलान भी कर दिया था। वो दिन है और आज का दिन है, जॉन सलमान के सामने आने से भी कतराते हैं। जिस छत के नीचे मौजूद हो टाइगर, जॉन वहां से बहाना बनाकर रफू चक्कर हो जाते हैं।